सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी दिवाली। और आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से और ये मिठाई पारस की तरफ से। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पूजा पाठ वगैरह हो गया है और पारस भी जो है अभी अभी जस्ट नीचे से पटाखे जला के आया है और अभी दोबारा नीचे चला जाएगा। जा रहा है दोबारा? जा रहा है। ओके, तो अभी दोबारा नीचे चला जाएगा क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारे नीचे इकट्ठे हुए हैं। अभी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो व्लॉग है ना, ये धनतेरस, छोटी दिवाली और आज का जो है, ये तीन दिन मिला के आपको व्लॉग जो है शेयर होने वाला है क्योंकि मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, थोड़ा सा ना बिजी जो चल रही थी मैं एक दो दिन से और थोड़ा हेल्थ भी मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट मोमेंट में जो है हमारा घर जाने का प्लान भी जो है कैंसिल हो गया था ना, इसकी वजह से जो है हम सब लोगों के जो है मूड बहुत खराब थे, लेकिन काम बहुत ज्यादा जरूरी था इसलिए जो है हम नहीं जा पाए। और देखिए, बहुत मुश्किल होता है अपनों से दूर जो है त्योहार सेलिब्रेट करना और ऐसे रहना जो है, पर लेकिन क्या करें, नौकरियों के लिए जो है हम लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है, लेकिन इट्स ओके, खुशी खुशी से जो है त्योहार मनाएंगे, इस बार नहीं अगली बार जो है पूरी फैमिली के साथ मिलके एंजॉय करेंगे। धनतेरस से लेके जो है आज तक का वीडियो इस व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो अभी आप जो है देख लीजिए वीडियो और अपनी दिवाली को एंजॉय कीजिए, खूब मजे कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये है धनतेरस वाले दिन हम लोग गए थे मार्केट, तो हस्बैंड को ऑफिस आने के बाद ही हम गए थे, मैं पारस और उसके पापा। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान जो है डेकोरेशन का लगा हुआ था, हमने भी आपसे कुछ चीज़ें जो है हमारी जो खरीदनी थी वो खरीदी। और ये देखिए, आप कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे वॉल हैंगिंग वाले ये लगे हुए थे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये ना पानी वाला दीपक था, तो बस इसमें पानी डालना था और ये जल जाता था। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये जो है मैंने खरीदे नहीं थे, तो एक ये मतलब इस बार ये नई चीज़ जो है मार्केट में आई है। और उसके बाद जो है हमने अपना सामान वगैरह खरीदा और हम लोग आगे, और यहाँ पे जो मैंने कर्टन वगैरह जो धोए थे ना उनको लगा रहे हैं यहाँ पे कोमल विभू किसका, तो यहाँ पे ये लोग लगा रहे थे और बाहर में और हस्बैंड लगा रहे थे, तो हमने मिलजुल के जो है सारे जो कर्टन थे वो लगा दिए। और उसके बाद जी यहाँ पे हो रहे हैं दिए को पेंट, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो पारस यहाँ पे दिए पेंट कर रहा है, बड़ा वाला दिया जो है इसने ये कर ही दिया है। तो ना ऐसी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और जो बच्चा खुशी से काम कर रहा हो ना उसको करने देना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं इनको नहीं रोकती हूँ, जो जिन चीज़ों में ये लोग हेल्प करते हैं मैं इनको करने देती हूँ। और ये देखिए लाइट्स जो है हस्बैंड ने यहाँ पे लगा दी है, ऊपर वाली जो ऊंचाई में लगनी थी वो उन्होंने लगा दी, और जो नीचे वाली लगनी है वो जी अभी डिसाइड ही हो रही है, वो कोमल बेबो और पारस ये अपने हिसाब से जो है उनको लगाएंगे, बस मैं और हस्बैंड इनकी थोड़ी बहुत जो भी हेल्प करनी होगी वो करेंगे। लगे रहो लगे रहो, कल तक कर दोगे तुम पूरा।
जी कुछ इस तरह से जो है हमारी ये लाइट्स लगी हैं। अभी ना मैं फिर आपको नीचे से भी नीचे जाके भी आपको घर का ये व्यू दिखा दूंगी। अभी बच्चे जाएंगे इवनिंग वॉक पे, देखूंगी मैं भी जाऊंगी। तो बस इस तरीके से जो है हमने अपनी तीनों गैलरियों में जो है लाइटनिंग कर दी है। तो बस अभी रात का खाना वगैरह हो गया है, अभी जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। तो इवनिंग वॉक पे पहले तो कोमल बेबू गए थे, फिर मेरा भी लाइटनिंग इतनी अच्छी हमारी सोसाइटी में हुई थी ना कि फिर मेरा भी मन कर गया नीचे जाके देखने का। फिर मैं भी बच्चों के साथ गई, हमने जो है पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाया और पूरी लाइटनिंग वगैरह देखी। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जो है ये प्यारा सा व्यू जो है शेयर कर देते हैं। और ये हमारी फर्स्ट दिवाली है यहाँ पे। बेबो अब ऑन जाके ऑन हुआ ये। तो यहाँ पे ना छोटी दिवाली के दिन देखिए आप पूरी जो है ना पूरी सोसाइटी बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे सज गई है। मैं बहुत सारे लोग जो है अपने गांव में भी चले गए हैं और बहुत सारे जो है बाहर रह के भी जो है दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस ये लाइटनिंग उसी हिसाब से हुई है जो यहाँ पे हैं उन्होंने लगा दी है, और जो चले गए हैं उनकी जो है नहीं लगी हैं। तो आप ये व्यू इन्जॉय कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ पारस और उसका उसके फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पटाखे जला रहे हैं। इधर देखो दोनों पटाखे फोड़ रही हैं पीछे। तो डियर फ्रेंड्स ये जो है ये गेट के लिए हम लेके आए थे, जो मेन गेट मेन दरवाजा है ना वहाँ के लिए, तोरण आप इसको बोल सकते हैं ना, तोरण ही बोलते हैं। तो ये हम लेके आए थे। वह स्पेशली हमारे आम के पत्ते और फूल की जो है माला बनाई जाती है जब हम गांव जाते हैं तो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने जो है ये बोलते हैं ना आर्टिफिशियल आम के पत्ते जी, और वो वाली जो है हमने ये ले ली थी शुभ दीपावली, ये जो है हमने फिर गेट पे लगवा दी, हस्बैंड ने लगा दी। और यहाँ पे पारस लग गया है रंगोली बनाने। पारस जो है कोमल बेबू के साथ नहीं बनाता, ये अलग से अपनी बनाता है। और ठीक है बच्चा है जिसमें खुश रहे वो करने देना चाहिए। तो ये यहाँ पे बना रहा है और कोमल भी वो बाहर लेके हुए हैं, वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ ये देखिए। और जब ये कंप्लीट होगी फिर आपके साथ जो है इसको शेयर करूँगी आगे। पारस के द्वारा मीट की गई है। तो यहाँ पे हमने लक्ष्मी पूजन कर लिया है और मीन दिया यहाँ पे पहले लक्ष्मी माता के पास हमने जला दिया है। और अभी हम पूरे घर में जो है अपने दिए जला देंगे। और ना यहाँ पे जो ये है मतलब लक्ष्मी पूजन से पहले हलवा बन रहा था, उसकी क्लिप भी मैंने शूट कर ली थी। एक्चुअली हमारे जो है मंडियालों में जो है हमारे
आज के दिन भल्ले बनाए जाते हैं, सुआलू बनाए जाते हैं, तो मैंने भी सब बनाया था लेकिन यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि वही हमारी जो है ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो मतलब कोई भी त्यौहार हो उसमें बनती है। आलू की कचौरी बना लेते हैं जैसे अलग अलग तरह से, लेकिन हमारे स्पेशली जो है ना उड़द दाल के भल्ले और उड़द दाल की बेड़ुआ, ये जब सब चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। और आजकल सब अपने अपने हिसाब से चेंज करते हैं लेकिन ट्रेडिशनल यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने हलवा बना दिया है और बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। बहुत सारे लोग जो है नीचे इकट्ठे होकर पटाखे चला रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और अभी इस ब्लॉग की एंडिंग भी मैं यही पे कर दूँगी। आई होप आपको जो है मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के साथ बेल कीजिएगा ऑल पे सिलेक्ट, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय। It's all right. We keep up with it.